हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज जो है, जैसा कि आप लोग कवर कर रहे थे स्टैटिक पोर्शन को, ड्यू एलएलबी, बीएचयू एलएलबी या फिर सीयूईटी, ठीक है, जहां पर भी आपका क्लास स्टैटिक पोर्शन आपको पूछा जाता है, जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपका, उसके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो बेसिकली जो है ड्यू एलएलबी स्टूडेंट और अलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और बीएचयू लॉ जो सीयूईटी दे रहे हैं, उनका ये डिमांड था कि हम लोग का स्टैटिक पोर्शन को भी कंप्लीट करा दिया जाए। तो इस चीज को देखते हुए आज हम लोग स्टैटिक पोर्शन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करा रहे हैं। तो इससे पहले एक वीडियो आपको चलाया जा चुका है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्री से रिलेटेड बात किए हैं, वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था। और आज हम लोग बात करेंगे क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछता है, यानी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। मतलब 5 मिनट या 7 मिनट का ये वीडियो रहेगा, और 5 से 7 मिनट वीडियो में एक गारंटी तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन 95% चांसेस रहते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको डाला जाए। क्योंकि स्टैटिक पोर्शन जो है, अगर स्टैटिक पोर्शन से आपको 12 क्वेश्चन आते हैं, तो 12 क्वेश्चन 12 टॉपिक से पूछा जाएगा। तो 12 टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आपको उठा दिया जाता है, तो 12 टॉपिक अगर आपको अच्छा कंप्लीट रहेगा तभी तो आप कर सकते हैं। तो मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ स्टैटिक पोर्शन, उसको आप लोग नोट डाउन करते जाना अपने नोट कॉपी में, ठीक है, जिससे आपको रिविजन करने में अच्छा रहे। चलिए, पहला जो है क्लासिकल डांस हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है उसका नाम है कुचिपुड़ी। क्या नाम है? कुचिपुड़ी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार। बिहार का जो क्लासिकल डांस है, ठीक है, बिहार का जो क्लासिकल डांस है उसको हम लोग बोलते हैं चेन। क्या बोलते हैं? चेन। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात का जो क्लासिकल डांस है उसको हम लोग बोलते हैं गरबा। काफी आपने सुना होगा, गुजरात में गरबा काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब का जो क्लासिकल डांस क्या है? वो है भांगरा। पंजाब के लोग हमेशा भांगरा करते हुए देखते होंगे, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केरला, ठीक है, तो केरला में कथकली और मोहिनी नट्यम है, ठीक है, और तो कहीं मोहिनी नट्यम एक जगह और आपको आगे देखने को मिलेगा, तो इस चीज को देख लेना है कि मोहिनी नट्यम एक से, देखो, एक क्लासिकल डांस एक से दो, एक से अलग अधिक राज्यों का भी हो सकते हैं। तो केरला का जो है वो है कथकली, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है? मोहिनी नट्यम, दोनों है। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका क्या है? हथलारी। क्या है? हथलारी। कर्नाटका का जो क्लासिकल डांस है उसको बोलते हैं हथलारी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है वो है कर्मा, ठीक है। क्या नाम है उसका? कर्मा। कर्म अच्छे करोगे तो मध्य में जाओगे, ऐसा कुछ याद कर सकते हो। मिजोरम का बात करें तो मिजोरम का जो क्लासिकल डांस है वो है खांटुम बंबू, ठीक है, तो खांटुम बंबू। तो ऐसे इसको याद रखेंगे, एक टेक्निक में बताता हूँ कि मरने पर हम लोग बैंबू से रख के जला दिया जाता है, तो इस तरीके से याद रखा जा सकता है। मणिपुर, मणिपुर का मणिपुरी, तो इसको तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगा कि यहाँ पर नाम ही में सारा चीज छिपा हुआ है। नेक्स्ट है ओडिशा। तो ओडिशा में भी ओडिसी है और एक भी चैन, एक चैन आपको उधर देखने को मिला था बिहार के साइड, और एक चैन ओडिशा में भी है, तो दोनों को याद रखना। ऑप्शन में आपको क्या देता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर होगा। तमिलनाडु, ठीक है, केरला का क्या था? मोहिनी नट्यम, और यहाँ है भरतनाट्यम, ठीक है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये सर ये क्वेश्चन छपेगा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन छपने की संभावना है, क्योंकि पिछले साल जो डी एलएलबी में शायद दिया था कथकली, मैं सही हूं एक बार तुम बता देना हमें, ठीक है, कथकली दिया था, लेकिन इस बार आपको जहां तक उम्मीद है भरतनाट्यम से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ का जो फेमस क्लासिकल डांस है उसका नाम है नाटी। क्या नाम है? नाटी। नेक्स्ट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का जो क्लासिकल डांस इंपॉर्टेंट है वह गरवाली, ठीक है, गरवाली जो है इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है कहाँ के? उत्तराखंड का है, ठीक है, उत्तराखंड है। और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कथक है, ठीक है, कथक कली नहीं है, कथक है, और चैन भी है। तो चैन तीन का हो गया, एक बिहार का, एक उड़ीसा का, एक उत्तर प्रदेश का, और एक कथक हो गया उत्तर प्रदेश का, और कथक कली आपका कहाँ का हो गया? केरला का, ठीक है। आसाम, आसाम में आपको दो याद रखना है, एक तो सतरिया और एक बिहू। तो आसाम का बिहू आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, बिहू से क्वेश्चन काफी पूछता है, और ऐसे याद करना है सतरिया, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस रिलेटेड, 5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट में सारा क्लासिकल डांस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और स्टैटिक पोर्शन धीरे धीरे आपका कंप्लीट कराया जा रहा है। इससे पहले इंटरनेशनल बाउंड्री कंप्लीट करा दिया गया, और इसमें क्लासिकल डांस कंप्लीट कर दिया गया। इसके बाद हम लोग और भी देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा
करंट अफेयर्स सॉरी स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड हम लोग कवर करेंगे, और करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट कराया जा चुका है। एक तो आपको मैंने सेक्शनल करंट अफेयर्स पढ़ा दिया है, ऊपर से आपको मंथली करंट अफेयर्स का एमसीक्यू भी दे दिया है। आपको जो भी अच्छा लगे दोनों से देख सकते हो। एमसीक्यू जो है 6 महीने का ही है, और लेकिन सेक्शनल करंट अफेयर जो है वो पूरे 1 साल का है। तो 6 महीने का बेसिकली आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। सीईटी का जो अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें मात्र 6 महीने का ही करंट अफेयर्स देखने को अभी तक मिला है, अभी तक जो 2 एग्जाम हुए हैं जिसमें। तो आगे के भी 2 हम लोग 6 महीने का कवर करने का प्रयास करेंगे। पहले आपको स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि 80% के आसपास जो क्वेश्चन पूछते हैं वो 6 महीने के करंट अफेयर से ही पूछता है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।